What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 12th November 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी इंडेक्स लास्ट तीन दिन से ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है, तो काफ़ी तेज़ी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो RSI जो इंडिकेटर होता है, ओवरबॉट जोन में चला गया है, एक्सट्रीम ओवरबॉट हो सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन में कहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न्स बन रहे हैं ये भी खास कर देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है कल का, यानी 11th November आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,646 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,583। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार गैप अप ओपन हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ, और यहाँ से ये फिर से एक बार साउथ की तरफ आया तो एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया कई बार, तीन बार, और फिर बाउंस बैक हुआ। एक रोलर कोस्टर राइड जैसा कल का मूवमेंट था निफ्टी इंडेक्स में, और जैसे ही बाउंस बैक हुआ, फर्स्ट टारगेट 12,667 ये भी अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 12,685 भी अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट्स के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में फिर से एक बार शानदार तेजी देखने को मिली, नासडैक करीब 232 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी ले देखे तो लगातार तीसरे दिन हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एशियाई बाजार में आज SGX निफ्टी यहां पर करेक्शन दिखा रहा है, 57 पॉइंट का गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि जापानीज इंडेक्स 100 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाव फ्यूचर हल्की सी कमजोरी इस समय देखने को मिल रही है, 60 पॉइंट की गिरावट है डाव फ्यूचर में। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में शानदार तेजी के बाद एक करेक्शन का भी दौर आ सकता है, एक फेज आ सकता है, लेकिन ये अप ट्रेंड में है, ये सिर्फ करेक्शन होगा। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है, तो इसका 12.626 इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया और ऊपर 12,750 के पास इसने कल हाई बनाया है। तो ये जो ब्रेक मिला है 61.8% का, ये जो लेवल था वीकली चार्ट में, इसका ब्रेकआउट मिला है। लेकिन आज ये कैंडल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आज का और कल का दो दिन बचे हैं, और इस दो दिन में ये निफ्टी इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, ये अगर प्रीवियस डे के हाई को कंफर्टेबली ब्रेक करेगा आर्ली चार्ट में, तो यहाँ से और भी ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिल सकती है। RSI की अगर हम बात करें तो ये RSI इस समय है, तो यहाँ पर जैसे कि ये 70 लेवल के पास यहाँ से पहुँच जाता है तो हमें ऊपर प्राइस एक्शन में एक गिरावट देखने को मिलती है। ये वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है 70 लेवल के पास, ये 7200 ओवरबॉट जोन माना जाता है, तब यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलता है, ये देखिए इस तरह से। तो जब तक प्राइस एक्शन में यहाँ पर हमें कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता, तब तक यहाँ पर एक अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अभी भी ये 70 लेवल जो है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये 70 लेवल को मार्क कर रही है, इसके आसपास ये RSI पहुँच गया है। तो अभी जब तक प्राइस एक्शन में हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, तब तक यहाँ पर यह बुल रन कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। तो अभी कॉशियस रहना होगा। ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ही 70 अबाउ या 70 के आसपास आ जाता है तो एक प्राइस एक्शन में हमें एक करेक्शन देखने मिलता है। तो इस तरह से अभी ये वीकली चार्ट में दो दिन बाकी है ये कैंडल कंप्लीट होने में। दो दिन में अगर ये प्रीवियस डे के हाई को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो और भी हमें यहाँ से ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स जर्नी करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं लगातार ये 8 दिन से जबरदस्त अपसाइड मूव दिखा रहा है, कंटिन्यू हायर हाई हायर लोज बना रहा है, यानी प्रीवियस डे के हाई और लो से नेक्स्ट डे का हाई और लो उसके ऊपर है। तो ये जबरदस्त बुलिश पैटर्न है। अभी जैसे कि कल इसने एक कैंडल जो बनाया है, इसके प्रीवियस डे यानी ट्यूजडे को भी सेम पैटर्न बनाया था, हैंगिंग मैन जैसे पैटर्न। ये सिर्फ सिग्नल है, कंफर्मेशन के लिए इसे यहाँ पर
कुछ इस तरह से रेड कैंडल बनाना होगा, तभी ये पैटर्न कंप्लीट होगा हैंगिंग मैन का और कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ये ट्यूजडे के दिन भी सेम पैटर्न बना था लेकिन कल रेड कैंडल नहीं बना, ये फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना जो कि हैंगिंग मैन कैंडल्स के जैसा दिखाई दे रहा है। अभी कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा, यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनता है और इसका ये जो लो है ब्रेक होता है तो ही यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये जो बुलिश पैटर्न बना हुआ है ओवरबॉट जोन में, RSI है डेली चार्ट में भी, ये एक्सट्रीम ओवरबॉट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करें जैसे हमें वीकली चार्ट में मिला था, अभी यहाँ पर ये स्विंग हाई लो मिल रहा है, तो यहाँ से इसको पकड़ के अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करें तो कहाँ पर लेवल्स आ रहे इसको आइडेंटिफाई करते, ये लो, ये हाई और ये लो। तो कल एग्जैक्ट ये जो 100% का लेवल आ रहा था, आप देख सकते कैसे ये इन लेवल्स को ये लगातार रिस्पेक्ट कर रहा था, 76.4% का लेवल, और अभी ये 100% का लेवल एग्जैक्ट इसने यहाँ पर कल अचीव किया। ऑलमोस्ट इसी के पास कल का हाई है, 12,770 कल का हाई है। तो हो सकता है ये जो लेवल्स होते हैं 161.8%, 50%, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हो सकता है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल दिखे। वेट करना होगा अगर कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है अर्ली चार्ट में तो यहाँ से बुल रन कंटिन्यू हो सकती है, अदरवाइज ये लो ब्रेक कर देगा और एक रेड कैंडल बनेगी तो यहाँ से हमें एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो इस समय हमने देखा। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स कल का हाई अगर ब्रेक करता है यानी 12,767 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 12,769 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,795, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,817, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में है इस फेज में, इस लेवल के ये जो लेवल बन रहा है इस लेवल में निफ्टी इंडेक्स पहले कभी नहीं था, तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स अगर पिवट पॉइंट को ब्रेक कर देता है यानी इस लेवल को तो 12,684 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,660, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,637, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।